इसी एक खास मौके पे जिस तरह का वैक्सीनेशन ड्राइव करा गया डबल सेलिब्रेशन मानती हूँ जी जी बिल्कुल डबल सेलिब्रेशन मानती हूँ. इनफैक्ट आई फील इससे बेटर और हो ही क्या सकता था. इतनी ज़्यादा ज़रूरत है अभी जिस चीज़ की जितना हम लोगों की हेल्प कर सकें या फिर जितनी इजी उनके लिए चीज़ें कर सकें आई थिंक उतनी अच्छी बात है. एंड आई एम ग्लैड दैट वी डिड दिस टुडे. थैंक्स टू द एंटायर टीम टू एवरीवन हुज़ पुट इन एफर्ट्स एंड आई एम वेरी वेरी जेन्युइनली वेरी हैप्पी. डू यू थिंक द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज अप जब 30 मिलियन बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं इंडस्ट्री में और इतने कम वक्त में इतने ज़्यादा लोगों का फॉलो करना इतना सराहना आपके काम को आपको जिम्मेदारी बढ़ जाती है. ऑफकोर्स जिम्मेदारी बढ़ती है. एवरी डे जिम्मेदारी बढ़ती ही रहती है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, उसमें क्या लिख रहे हो. और आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि जब से मैंने स्टार्ट किया है तब से है तो अब उसकी आदत पड़ गई है तो अभी मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे हाँ डूज एंड डोंट्स क्या है. फिर भी उसके बावजूद पता होने के बाद भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि गलती से भी कोई भूल चूक ना हो जाए जो कि यू नो नज़र में आ जाए. महमूद भाई क्या कहना चाहेंगे आज के बारे इनिशिएटिव के बारे में. शुरुआत कल मीडिया से करी और आज जो इंडस्ट्री का हिस्सा है जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए और जन्नत जुबेर का जो इतना बड़ा सेलिब्रेशन है 30 मिलियन का वही मद्देनजर रखिए. नहीं असल में जब हमने लास्ट वीक प्रेस वालों के लिए की थी मुझे काफ़ी प्रेस वाले कहते थे यार हम लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है ये है तो खालिद भाई से हमने बात की और साईं हॉस्पिटल की मदद से हमने ये पॉसिबल किया. तो मैंने इस बार जन्नत के 30 मिलियन फॉलोवर्स हुए थे तो मैंने ज़ुबैर भाई से कहा कि ये दिस इज़ द राइट टाइम टू सेलिब्रेट विथ वैक्सीनेशन क्योंकि ये मैसेज असल में हम जन्नत को इसलिए लाना चाह रहे थे कि ये मैसेज जाए लोगों तक क्योंकि वैक्सीनेशन ज़रूरी है और वैक्सीनेशन के बगैर आप नेक्स्ट जनरेशन को तकलीफ दोगे. तो उससे इस इतने बड़े मैसेज को अगर जन्नत जैसे यहाँ आके कहती है तो वो मैसेज दूर तक जाएगा. हमने लास्ट वीक भी किया था वो मैसेज बहुत अच्छा गया तो इस बार हमने कोशिश की जन्नत जी के साथ भी ये सेलिब्रेशन करने की ताकि मैसेज करेक्ट जाए लोगों में. जन्नत क्या आपको लगता है कि इस बात की बहुत ज़रूरत है हालांकि अभी थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ रही है जब आप जैसी शख्सियत बोलेगी तो बात दूर तक जाएगी जैसे महमूद साहब ने कहा. लोग कहीं हेजिटेट हैं डर रहे हैं अभी भी और वो डर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आइए और वैक्सीनेशन करिए. जी जी बिल्कुल लोग डर रहे हैं और मैं यही बोलना चाहूँगी कि इनिशियली सब डर रहे थे और अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ इतने सारे लोगों को लगने के बावजूद भी. बट आई जस्ट से दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस क्योंकि फिर अगर आपको कोरोना हो गया तो आप 10 गुना ज़्यादा डरेंगे. तो इससे अच्छा है कि आप प्लीज़ वैक्सीनेशन ले लीजिए और सेफ हो जाइए बिकॉज इट्स नॉट जस्ट यू पूरा भारत ही कितने सारे लोग हैं कितने सारे कॉर्नर हैं पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन ले रहे हैं लोग. और आई थिंक अभी तो काफ़ी महीने हो गए आके तो अब तो आप लोगों को अपना माइंड सेट कर लेना चाहिए और जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो जाना चाहिए. होटल में भी काट सकती थी इसने छोटे छोटे जो टेक्नीशियन है उसके लिए सबके लिए ये तो अपना 30 जो केक पूरे हुए उसके लिए इसने मनाया है. इसके लिए इस बच्ची को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस बच्ची ने सबको जागृत किया है कि आप इंजेक्शन लगाओ जिससे आप स्वस्थ रहोगे. मैं इस बच्ची को वापस धन्यवाद देता हूँ और भगवान इसको इतना दे कहीं रोक ना पाए बस. बात बहुत दूर तक जाती है जब आप कहते हैं कि जाइए वैक्सीन लगाइए डरने की जरूरत नहीं. डू यू एग्री विद दिस कि बहुत बहुत दूर तक जाती है 30 मिलियन लोगों में से जितने लोग आपको चाहने वाले हैं वो सुन लेंगे तो कितना बड़ा बदलाव आता है. और देयर आर रिपोर्ट्स वी यू नो थर्ड वेव इज ऑन द वे दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. एब्सोल्युटली एंड आई फील लाइक टचवुड अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे लोग हैं जो फॉलो करते हैं इतना प्यार करते हैं और बात भी मानते हैं. बट इट्स ऑल्सो नॉट अबाउट मी स्प्रेडिंग द वर्ड इट्स ऑल्सो अबाउट मैं कुछ डालूंगी फिर उसमें से कितने सारे लोग हैं जो देख के आगे बताएंगे. आई एम श्योर इसके बारे में भी जो पोस्ट मैंने डाली होगी उन्होंने खुद तो देखा ही होगा प्लस आगे भी उन्होंने बताया होगा तो फिर वो जो चेन है ना वो काफ़ी बड़ी बन जाती है. तो आई थिंक ये बहुत बड़ी पावर है ना और जितने भी लोग हैं जिनके फॉलोअर्स हैं या फिर जिनके पास के पावर है प्लीज़ उसका सही इस्तेमाल करें और अवेयरनेस फैलाएं और लोगों को प्लीज़ अर्ज करें कि वो वैक्सीनेटेड हो जाएँ और सबको सेफ रखें अपनी सराउंडिंग्स को सेफ रखें और हेल्दी रहें. The last question. Yeah. You are one of the most intelligent speaker in terms of you know media interaction. Really? Yes. I totally buy this. Thank you. Who is your inspiration? Daddy, right there. Right there. Father's Day. 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 Father's Day.
तो ये जो भी इंटेलिजेंस में बात करने में मीडिया में या कहीं पर भी आती है या किसी भी आर्ग्यूमेंट या झगड़े में आती है, इट ऑल कम्स फ्रॉम माय डैड. आई हैव लर्नड इट फ्रॉम हिम एंड ही इज प्राउड ऑफ मी फॉर दैट आल्सो दैट आई स्पीक वेरी वेल. टू आस्क यू, क्या ब्रीफ ऐसा दिया जाता है कि छोटे से ब्रीफ में सब कुछ पता लगता है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है? ये ब्रीफ पिछले 13 साल से चल रहा है, 14 साल से, तो इतनी ज़रा से मुख्तसर से टाइम में नहीं हो सकता. हाँ, लेकिन ये माशाल्लाह जैसे इसको बताया गया, लेकिन ये ख़ुद भी बहुत से इंटेलिजेंट है. जब भी कहीं पर भी ये जाती है तो लोग इसको बोलते हैं कि ये अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर है, और एक्चुअली ये है. अब जैसे आप लोगों ने, सब लोगों ने अप्रिशिएट किया उसके बोलने का, जो उसका स्केल है बात करने का, तो शी इज़ ऑलरेडी. Father's Day, how are you celebrating your Father's Day? I'm celebrating my Father's Day like this. See, I think it's the best way to celebrate Father's Day, and it's the best to stay home and stay safe. We can't go out, we can't go to the gatherings or anything. And yeah, it's just sad that I couldn't buy him a gift this year. या और फादर्स डे पे सारे बच्चे अपने फादर्स को मतलब सबको लेकर के जाएं, उनको पुश करें कि जाएं वैक्सीनेशन. वाह, अच्छा मैसेज. ठीक है, चलिए टॉप. थैंक यू, थैंक यू. रवीना जी ने भी कराया था, वहाँ भी आते हैं और यहाँ भी आते हैं. अब कितनी अवेयरनेस हो रही है और क्या कहना चाहिए? पहले इनिशियली क्या था, लोगों को डर था, लेकिन अभी डर बहुत कम हो गया है. वैक्सीन लोग लगा रहे हैं, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी भी ठीक है. अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि ऑफिस में, सोसाइटीज़ में या बाहर पे जाके जो प्राइवेट लोग कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं, जैसे साई हॉस्पिटल है या डॉन सिनेमा के साथ किया, अभी हमने रिजवी कॉलेज और के साथ किया, तो उससे ये हो रहा कि जिनको लगता है कि वैक्सीन लेना डिफ़िकल्ट है, कोविन ऐप पर नहीं मिल रहा है, तो उनको आसानी से मिल रही है और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ये इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है. ऐसा नहीं कि भाई जितना इसके लिए कहा जाए, मैंने अभी किसी से कहा जिन लोगों ने लगाया कि देखिए जो वैक्सीन लगाता है वो अगर जाके ज़्यादा लोगों से बात करेगा तो उसका असर होगा. एक छोटा सा आदमी जिसको कुछ भी नहीं है उसको भी 100 लोग फॉलो करना. मैंने सबको यही कहा कि भाई आप वैक्सीन लगाए, आप 100 लोग को जाके बोलो वैक्सीन लगाना, डर नहीं है, कुछ नहीं, बहुत फ़ायदा है. तो अगर इस तरह का कंपेन शुरू करते हैं तो इससे बहुत सारा फ़ायदा होगा. 100% वी आर प्रिपेयरिंग. देखिए हॉस्पिटल बनाना, बाकी चीज़ें करना तो हो रहा है. वैक्सीन लेने से क्या हो जाएगा, कम से कम थर्ड वेव में अगर आपको सीरियसनेस नहीं हो, क्रिटिकल चीज़ें नहीं हुआ, आप ICU में नहीं जाओगे, आप वेंटिलेटर पे नहीं जाओगे, तो वैक्सीन लगाना पॉजिटिव आ सकते हो बट सीरियस नहीं हो सकते. जैसे कहा जाता है ना, वैक्सीन लगा के भी पॉजिटिव आ गए, पॉजिटिव आना एक अलग चीज़ होती है और क्रिटिकल होना एक अलग चीज़ होती है. तो वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है और सब लोग लगाएं. मैं तो बोलता हूँ सब कम्युनिटी लीडर भी आना चाहिए और सभी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होकर सब लोग बात करें कि भाई वैक्सीन लगे. सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि खालिद भाई आप लोगों को सलाम है. वैसे जन्नत अपने फॉलोअर से सिर्फ एक अपील करेगी तो माशाल्लाह काफ़ी दूर तक बात जाएगी. और सबने वैक्सीन लगाना चाहिए क्योंकि थर्ड वेव आने वाला है. उसके लिए हमको कवच अपना खुद की तैयारी करनी है, खुद की अपनी खुद की ज़िंदगी की खुद को ज़रूरत है. तो अगर हम लोग सेफ़ रहेंगे तो हम बाकी के लोगों को भी सेफ़ रख सकेंगे. हम वैक्सीन लगा कर खुद पर रहम नहीं कर रहे हैं, हम बाकी लोगों पर भी रहम कर रहे हैं ताकि हमसे किसी को कोरोना ना हो. तो मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से कि प्लीज़ वैक्सीन लगाएं और अपने सब दोस्तों को बोले सबको तैयार करें वैक्सीन लगाने के लिए. थैंक यू वेरी मच.